सच्ची माता ने भी इस लीला को देखा कि मेरा जो निमाई है वो आनंद में
चला गया किसी तरह की समेत से बच करके और उसको वहां पर सांप ने जो है लपेट लिया। और निमाई तो आराम से सांप की गोदी में बिल्कुल अच्छे से लेटे हुए हैं और सची माता बिल्कुल प्राण त्यागने को बिल्कुल आकुल हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल प्राण त्याग ही नहीं की। इतने में उस सांप ने देखा कि सची माता के वो भाव को समझ गया और क्या हुआ वहां से सची माता ने निमाई को छोड़ करके चला गया। तो देखो इस लीला से हमें ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने बाल्यकाल में अपनी लीलाओं को विस्तार करने के लिए दिखाना शुरू कर दिया था। एक और इसी तरह की घटना श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल से आती है। एक बार क्या हुआ जैसे कि यशोदा माता कृष्ण भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण पहना करके उनको अलंकृत करने की सजाती थी, रोज नए नए वस्त्र पहनाती थी, इसी तरीके से सची माता ने भी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को सुंदर सुंदर आभूषणों से अलंकृत किया, उनको भी सजा करके और बैठा दिया। अब क्या हुआ अब वो जैसे ही माता तो अपने कामों में व्यस्त हो गई और इधर उधर हो गए तो क्या हुआ उनके आंगन में दो चोर आ गए। चोरों ने देखा अरे वहाँ आज तो अच्छी पार्टी हो जाएगी, हमारी बड़ी अच्छा हो जाएगा, हम लोग तो भूखे हैं और ये बालक सुंदर है और इतने सुंदर सुंदर अलंकार इसने पहने हुए, इसको अगर हम उठाएंगे तो हम जो है पूरे मालामाल हो जाएंगे। तो एक चोर कहता है सुनो भैया सुनो देखो वो बच्चा खेलना है वहां पर और चलो उसको उठा करके लेकर के आते हैं और उसने कितने सुंदर अलंकार पहने उनको बेच करके हम अपने जीवन को व्यापन करते हैं। तो दूसरा चोर भी उसको हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है ठीक है चलो ऐसा ही करना है। तो वो क्या करते हैं दोनों चोर युक्ति बनाते हैं और दूसरा चोर कहता है चलो ऐसा करो तुम कुछ मिठाई लेकर के आओ क्योंकि किसी बच्चे को बुलाने के लिए अपने पास कुछ फैलाने फुसलाने के लिए कुछ सामग्री तो होनी चाहिए। तो इसीलिए उस चोर ने क्या किया एक मिठाई का कुछ ढेला लिया लड्डू का लिया और उस को जो है चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत कर दिया दिखाने लगा इस तरीके दिखा करके और चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर खींच लिया। अब क्या था चैतन्य महाप्रभु उस मिठाई को देख करके उनकी तरफ जो है आने लगे और जल्दी उनके तरफ तो उस मिठाई को लेकर के उसके मिठाई के बहाने चैतन्य महाप्रभु चोर के पास आ जाते हैं। चोर अपने कंधे पर बैठा करके चैतन्य महाप्रभु को और दिखाने लगते हैं। जैसे ही वो काफी दूर भागते भागते श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को लेकर के पहुंचे तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है अब तो हमें इसका सामान काट लेना चाहिए और इसको बेच करके हम अपने जीवन को व्यापन करेंगे। अब जैसे ही उन्होंने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को अपने कंधे से उतारा तो उन्होंने देखा अरे ये तो वही जगह है जहाँ से हम इस चैतन्य को उठा करके लेकर के आए, ये तो वही श्री जगन्नाथ पंडित का आश्रम है जहाँ से हम इस चैतन्य को चुरा करके लेकर के आए। तो घूम फिर करके उनको अर्थात क्या है समझ में आ जाता है कि ये भगवान की कोई ऐसी लीला है कि जहाँ से हम इनको चुरा करके लेकर के आए बार बार घूम फिर करके हम उसी जगह पर आ जाते हैं। तो जब उन दोनों ने ये सब देखा तो घूम फिर करके इस बात को समझते हैं कि ये जो कोई साधारण बालक नहीं है ये कोई हमसे लीला कर रहे हैं। तो इस तरीके से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं ऐसी और भी बहुत सारी लीलाएं उन्होंने बाल्यकाल में की है जिसको देख करके हमें ये पता चलता है कि आप हम लोग बता सकते हैं कि वो भगवान थे और स्वयं श्री कृष्ण और राधा जी के सिर्फ अवतार थे। श्याम सुंदर बाबू आ जा अरे जब 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 शाम का आओ ना कोशिश करो जैसे अगर पास में धोती पहन करके आने के लिए ठीक है ना थोड़ी समय के लिए मार्क्सों का निकाल दो एक जब महाप्रभु की लीलाओं का गुरु जी कथा सुना रहे हैं तो मुझे भी एक थोड़ी सी जो गुरु जी ने सुनाई थी निर्भय घाट पर तो उसको सुनाने की चेष्टा करता हूँ गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ सुनाने की।
एक दिन क्या हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी लक्ष्मी प्रिया सुबह उठ के जब जल लेने के लिए गई और जब उधर से आई तो उनके पैर में ठोकर लगी। ठोकर लगने से जो महिला पहनती है ना पैर में वो निकल रही, उसको निकलना बड़ा ही असंभव माना जाता है। तो बड़ी चिंतित हुई कि ये क्या, दो दिन निकला, माता जी को बताया, सभी माता बताया कि आज इस तरह से ऐसा घटना हुई, ऐसा कोई बात नहीं। तो डेली जो है चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के लिए निकल जाते थे भक्तों के साथ, उस दिन वो कहीं नहीं गए और गए बाजार से एक लौकी लेके आए और माता जी को, माता जी इसको आज लग लगी और लौकी ये बहुत अपना लग लगी बोल इसकी लग लगी बनाओ कि आपको हकी भी हो रहा है अपना आप ही लाख देना बता ये बनाओ अपना ये आज कीर्तन में। तो यही सब होते होते रात हो गई। रात होने के बाद में माता जी को थोड़ा आवाज आ गया आज कुछ अब शुरू होने वाला है। तो जब वो सोने के लिए गए तो महाप्रभु तो सोए नहीं और ना ही लक्ष्मी प्रिया ने सोई, तो उन्होंने ऐसे निपट के उनको रखा कहीं निकलना है। और माता जो है सखी माता बाहर बैठी चौकट पर बैठी है कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब लोक माया अपना असर दिखाते ना उन सब जैसे भगवान कृष्ण के जन्म पर पीढ़ियाँ खुल गई तो विष्णु प्रिया पता ही नहीं उनको क्या हुआ, नींद आ गई। माता जी बैठी है लेकिन कुछ नहीं, कितने महाप्रभु उठे प्रणाम किया माता जी, माता जी की अश्वधारा बही जा रही है बही जा रही है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। प्रणाम करने के बाद में कितने महाप्रभु उधर से चले गए और एक स्थान है घाट, उस घाट से गंगा जी में तैरकर उसी तरफ जी की तरफ गए और वहां से एक स्थान है कटवा, कटवा पहुंचते हैं। तो कटवा में जाकर वहां एक संन्यास लीला भी महाप्रभु ने की, जो उनके गुरु है उनको स्वप्न में आके हरिनाम की अपेक्षा दी, उसके उपरांत फिर कम लीन थे जो वहां पर कटवा जो स्थान पड़ा जो नहीं था महाप्रभु के इतने सुंदर घुमराले बाल उसको देख के वो उसको काटने को राजी ना हो कि मैं तुम्हें काटना, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि नहीं मैं संन्यास लिया तो इस तरह से वो काटे। उस दिन के बाद उस नाई ने किसी के बाल नहीं काटे, वो कैंची और उसरा हाथ भी वहां पे है जिससे महाप्रभु जी के जैसे बोलता बैठा। ये छोटी सी घटना स्मरण गौर प्रभानंद हाँ हरि वाल हाँ तुम आ जाओ
कैसे रहे, कैसे वैराग्य, कैसे भोजन, आप लोग ये बताइए कि रूप सनातन कैसे हैं जो वृंदावन में है इस समय, कैसे वे भोजन करते हैं, उनका वैराग्य कैसा है। तब उसके बाद भी बताते कि विप्रग्रह स्थूल दीक्षा कहां मधु करी, शुष्क रोटी चना चबाए भोग परिहरी। अरे रूप सनातन जी दोनों के दोनों अत्यंत वैराग्यपूर्ण अपनी रहनी रह रहे हैं, कभी भिक्षा मांग कर विप्र के घर से भिक्षा मांग करके कुछ अल्प पा लेते, और अपनी रहनी ऐसे वैराग्य पूर्वक रह रहे हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तो देखिए फल्गु वैराग्य होता है और एक युक्त वैराग्य होता है। फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य क्या? श्री गुरुदेव कहते हैं हम लोग को युक्त वैराग्य करना चाहिए, मतलब जितना हम लोगों को प्राण धारण करने के लिए अथवा भजन पद्धति को निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना चाहिए, और उससे और ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्यादा ही फालतू का वैराग्य दिखाएं, जिसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु एक नदी है जो ऊपर से वो रेती रेती दिखती है पर अंदर उसके समुद्र को जल होता है, तो जैसे कोई बिना कारण से उस पर चले तो वो फिर गिर जाता है, तो उसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। श्वासों को ऊपर करना, भोजन छोड़ना, ये सब चीजें इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं, इसलिए हमारे गौड़िया संप्रदाय में निषेध है। उसके बाद कहा उन्होंने कि कबू भक्ति रस शास्त्र करे न लिखन, कृष्ण कथा सुने करे कृष्णेर स्मरण। कभी तो भक्ति रस शास्त्रों का लेखन करते, श्री कृष्ण कथा सुनते और श्री कृष्ण कथा के बाद श्री कृष्ण का चिंतन करते। देखो सबसे बड़ी बात है कोई भी व्यक्ति भक्त है इसका प्रमाण क्या है, भक्ति हो रही है इसका प्रमाण क्या है कि वह श्री भगवान की दिव्य कथा श्रवण करता है, श्री भगवान की दिव्य कथा में उसका आनंद, उसको सुनने में उसका आनंद और उसकी रुचि प्रतिउत्तर बढ़ती है। यही उसका यही एकमात्र उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वास्तव में वो भक्ति कर रहा है। बिनु हरि कृपा भगति नहीं तेहि बिन द्रव ही न राम, बिना हरि कथा के बिनु हरि कथा भगति नहीं तेहि बिन द्रव ही न राम, बिना हरि कथा के भक्ति नहीं। इसलिए भी नित्य श्री भगवान की कथा सुनते थे, श्री भगवान की कथा में उनका मन लगता था। देखिए जिस वैराग्य की बात श्री रूप सनातन के लिए की गई है वो वैराग्य अद्भुत है। तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के, कोई खाए पूरी मिठाई बर्फी मंगाए के, पर साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के, तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, पर साधु चले पैया पैया चीटी को बचाए के, तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के। ऐसे श्री रूप सनातन जी रहते थे। और उसके बाद कहा है श्री भगवान की कथा, नित्य कथा श्रवण करना, श्री भगवान का कथा के बाद चिंतन करना, ये रूप सनातन जी की रहनी थी। भगवान की कथा सुनने के बिना भक्ति नहीं है। जिनको कथा हाँ सेवा कर दी ठीक है हो गया, पर भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान की कथा श्रवण करने में आनंदित नहीं हुए, रुचि नहीं हुई, तो भक्ति नहीं है उसकी। हमारे गुरुदेव यही कहते हैं उसकी उसकी भक्ति नहीं है। अरे कृष्ण कथा गंगा, जो उसमें गोता नहीं लगाता, अरे कृष्ण कथा गंगा सरस बही जाए आमे को नहाए। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र कविंद्र भगवान की कथा श्रवण करके ही आनंदित होते हैं, तुल भगवान की कथा श्रवण करके ही आनंदित होते हैं। कृष्ण कथा गंगा सरस बही जाए या में को नहाए, ब्रह्मा नहाए या में विष्णु नहाए, और शंकर नहाए आपन डबरू बजाए या में को नहाए, कृष्ण कथा गंगा सरस बही जाए या में को नहाए। इस कारण से प्रयाग में श्रवण महा
महाप्रभु से जब श्री रूप गोस्वामी की भेंट हुई तब श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा प्रदान करी है। लगातार 10 दिन तक श्री रूप शिक्षा चला है, रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की है। कहा है कि प्रभु कहे रूप, प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रे रक्षण, सूत्र रूपे कहीं विस्तार ना जाए वर्ण। हे श्री रूप गोस्वामी, मैं आपको भक्ति के रस के लक्षण बताता हूँ, सूत्र रूप में केवल, विस्तार से नहीं। तो कहा क्या, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसमें अथा अनंत जीव है, बहुत सारे जीव हैं, और अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में सबकी आत्मा है। आत्मा का स्वरूप बताया है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वेद कहता है तस्य शतधाम शतधाम शतधाम। जैसे बाल के अग्रभाग को यदि उसके 100 टुकड़े कर दिए जाए, फिर उसके बाद उसके 100 टुकड़े किए जाए, उतनी सूक्ष्म आत्मा होती है जी। तस्य शतधाम 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 आत्मा सद रूपत्व, आत्मा के रूप के वर्णन। इस कारण से कहा है समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत जीव है, और अनंत जीवों में से कोई कोई जीव, कोई उन अनंत को अन्नज उद्भिज स्वेदज जरायज तुल्य बद्धज्ञात ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन चेतना इत्यादि समस्त जीव जीव है इस जगत में। उसके अंदर से कोई बढ़ला ही, उसके अंदर से कोई बढ़ला ही होता है जिसको आत्मज्ञान होता है, जो ज्ञानी प्रवृत्ति में, ज्ञान की प्रवृत्ति जिसमें होती है, उन कुछ ज्ञान की प्रवृत्तियों में कुछ भाग्यशाली जीव ऐसे होते हैं जो मुमुक्षु होते हैं, जिनको मोक्ष की इच्छा होती है, जिसको मोक्ष की मीमा पर। और बहुत सारे मुमुक्षुओं में से कोई कोई होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान की, जिसको भगवान के दिव्य ज्ञान की अपेक्षा होती है। उनमें से कुछ होते हैं जो भगवान की ओर चलते हैं, चलो चलो सब कोई कहे और बिड़ला पहुंचे जाए, एक कंचन एक कामिनी दुर्गम पथिया में पाए। कोई कोई कहता है चलो और चलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं चलो, पर कोई कोई श्री भगवान के चरणों में पहुंचता है। तो मुमुक्षुओं में से कुछ ऐसे होते हैं जिसको भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है, और उन भगवत प्राप्ति की इच्छाओं में मात्र कोई एक बिरला जीव ऐसा होता है जिसको श्री कृष्ण चरणारविंदों की आस होती है, जिसको श्री भगवान की भक्ति की आस होती है। इसीलिए भगवान के भक्त बहुत दुर्लभ है, भगवान के भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। श्री गंगा जी का दर्शन करने से व्यक्ति पावन नहीं होता। जननी तव त्राटंग महिमा, आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, गंगा जी के अंदर गोता लगाने से व्यक्ति पावन होता है। लेकिन सज्जनानाम दर्शनानाम हेतवे, संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र होता है, पायस्तात्व। इस कारण से जो तीर्थ को तीर्थ बना, तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, तीर्थ तीर्थेषु पावनम्, तीर्थ हु को तीर्थ साधु करे सदा उपकार, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, कहत कबीर विचार संतन को देखूं आप तो, मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आप तो। इसलिए बहुत मुमुक्षु इत्यादि ज्ञानी, फिर मुमुक्षु, मुमुक्षु के बाद सिद्धावस्था से प्राप्त हुए भगवत की, भगवत प्राप्ति की इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा में कोई बढ़ला ऐसा होता है जो श्री भगवान के श्री चरणारविंदों तक पहुंच पाता है। ये पहली उपदेश आपने श्रीमद् गौरांग महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को दी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा करके तो कृष्ण के पास आज से 5 मिनट रह गए। सब बच्चों से सीखना, अच्छे तरह से सुना और सीखना, ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो ये भी तुम लोगों जैसे बच्चे ही है। और भगवान की कथा ऐसे है ना, जो भगवान की कथा बोलता है
और जगत में वो सबसे बड़े हो जाता है। जगत में उन लोगों का उतना ही महत्व है जो जितने भगवान की कथा सुनाते हैं। कथा की ही महत्व है, ठीक है ना। दुनिया की कथा बोलेंगे तो दो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ठाकुर जी की कथा बोलो, ठाकुर जगत में सबसे बड़े आपके बना रहेंगे। इसलिए अच्छे तरह से कोई बात समझे, अरे ये सब बच्चे, हमारी उम्र तो ज़्यादा हो गया, नहीं। हमारे जो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो विदेश में गए, पता है कितने उम्र में गए? 70 साल में गए। ये 70 साल उम्र में ये विदेश गए प्रचार करने के लिए। ऐसे हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया, अभी तक पृथ्वी में इतना कोई भक्ति प्रचार नहीं किया 70 साल। और जब जा रहे थे वो जल जहाज में जा रहे थे, हैं, 3 बार तो हार्ट अटैक हुई, कितने महीना में जा करके अमेरिका में पहुँचे, हाथ में कोई पैसा नहीं था भाई, ऐसे प्रचार किया, दुनिया को एकदम कमलमान कर दिया, ठीक है ना। ये मत समझा करो हमारी उम्र होगी हम क्या कर सकते, नहीं। सब हम जो टीचर है ना सबको टीचर बना देता है। अब भी ऐसे पहले ना जिसका जितना बड़ा सोच है, जिसको जितना बड़ा सोच है वो व्यक्ति उतना ही बड़ा बन सकते हैं। पहले बड़ा बनाने के बनने का जरूरत नहीं, कहते सबसे सोच तुम्हारी बड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोच बड़ी नहीं ना, वो जहाँ के तहीं जिंदगी भर रहो, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा बन सके। जैसे कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, भले ही 10 साल बाद में बनेगा, लेकिन सोच के रहता है हम डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को CA करना है, सोच पहले रहता है, फिर जा करके किस चीज़ में, ठीक है ना। पहले सोच को बहुत ऊँचा बनाओ, सोच के बगैर कभी भी आप बड़े नहीं बन सकते, ठीक है। बड़ा सोच बनाओ, बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम। जोर से बोलो, कोई बोल नहीं रहे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ समोसा ले आए ठाकुर को, बोलो भोग लगा दे, और मैंगो सकी बोलो भोग लगा दो ठाकुर को, भोग लगा दो। हाँ बोलो। सबसे पहले गुरुपाद वर्मा ओम विष्णुपाद अश्रोतमा भक्ति वेदांत गुरु महाराज प्रणाम करके उनके अत्यंत की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अश्रोतमा भक्ति श्री भक्तिदान गुरुताई महाराज जी की ओम विष्णुपाद अश्रोतमा भक्ति वेदांत नारायण गुरुस्वाई महाराज जी गुरु वर्ग सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर जीवन की तुर्यो सपरिकर सोपास्त जगत गुरु गोपाल की जय नायक वंदना उपस्थित करते हैं गुरु गर्दन मंदिर में शंकर मंदिर में शंकर मंदिर भक्त मंदिर अंत जगन्नाथ मंदिर इत्यादि के जन्म प्रणाम। गुरुदेव का आदेश हुआ है कि श्री चैतन्य चरितामृतम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित उसमें से जो राय रामानंद स्वरूप संवाद श्रीमद महाप्रभु और श्री रामानंद राय के बीच में जो कथों को कथन जो रस शिक्षा जो तत्व को उसके ऊपर कुछ कथा बोलने के लिए, तो सबसे पहले ग्रंथकार चैतन्य चरितामृत को प्रणाम करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात श्री रामानंद राय जिन्होंने विशेष रूप में श्रीमद महाप्रभु को लीला को पुष्टि किया, महाप्रभु के साथ लीला को विशेष रूप में पुष्टि किया, उनके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम, उसके पश्चात गुरुदेव और सर्व वैष्णव के चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ का आरंभ श्री राय रामानंद संवाद। इसमें से जो राय रामानंद संवाद है विशेष करके मानव के बल हमने इसका कुछ अंश को श्रवण किया है। इस प्रकार इसमें पहले बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु का अवतार श्रीमन महाप्रभु इस जगत में क्यों आए, ये बात को पहले समझना पड़ेगा। इसको हम कल श्रवण किए थे कि श्रीमन महाप्रभु इस जगत में आने का मुख्य कारण है, गौण कारण है, फिर उसको भी विभक्तिकरण करते हैं, मुख्य का भी मुख्य का मुख्य मुख्य का गौण और गौण में विभक्तिकरण करते हुए गौण का मुख्य और गौण का गौण।
तो इसी प्रकार हमने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार के मधुमंगल हैं, जैसे बोलते हैं कि मधुसूदन भागे तो राधा रानी मूर्छित हो जाते हैं, विष्णु उनको देख के चमत्कृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत स्वामी महाराज टीका में लिख रहे हैं, ये जो ग्रंथ है राय रामानंद संपाद जो ग्रंथ है ये चमत्कारिक विषय है। इसको नाम बता रहे हैं चमत्कार विषय, इसमें क्या चमत्कार ऐसा चीज है, तो इसको गुरुदेव व्याख्या कर रहे हैं कि इसमें क्या चमत्कार है। देखो इस बात को समझना पड़ेगा, गुरु जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार कृष्ण देख के चमत्कृत हो गए किस भाव को, कि राधा रानी पास में है यानी मिलन है, मिलन में भी विरह और विरह में भी जो मिलन भाव को देख के कृष्ण चमत्कृत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उसी भाव को जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब बस्ताहरण लीला किया कुछ बछड़े को लेके और सखाओं को लेके उनके स्वरूप को लेके वहाँ पे कमंडल में छुपा दिए थे, तो ब्रह्मा जी आके देखते हैं वही बछड़े हैं, वही सखागण वही कृष्ण के साथ खेल कूद कर रहे हैं। तो उसी समय पे जैसे ब्रह्मा जी ने सोचे कि भगवान हो सके तो माया रच दे, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक है उनमें माया रचने ऐसे करने में कोई असमर्थ नहीं है, सर्वसमर्थ भगवान है। तो इसमें बोलते हैं कि इस प्रकार का कार्य भगवान कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, एक सर को, ब्रह्मा जी का कितने सर, चार, तो एक सर को ऊपर की तरफ देखते हैं और एक सर को कृष्ण की तरफ देखते हैं। तो देखते हैं दोनों जगह एक वही सखा वही बछड़ा है। अब ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और चारों के चारों सर कृष्ण के चरणों में लेके झुका करके स्तुति कर रहे हैं। तो किस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करते, जानंतु एव जानंतु किं बहु क्या नमे प्रभु, प्रभु आप सब जगत में बोलते हैं कि मैं आपको जान गया, कृष्ण को जान गया। कोई पानी के बूंद को जान गिन सकता है, कोई रेती को गिन सकता है, लेकिन आपको महिमा को दुनिया को जान लेने दो, लेकिन मैं जो ज्ञान का परम श्रेष्ठ हूँ, जो आदि ब्रह्मा पिता हूँ, जो ब्रह्मा हूँ, सब कुछ मैं भी आपकी महिमा को कुछ भी नहीं जान सकता। तो इस प्रकार ब्रह्मा चमत्कृत हो जाते हैं, शिव जी इंद्र ये सब चमत्कृत हो जाते हैं। तो कृष्ण के इस जो मधुर मधुर लीला को जिन कृष्ण को देख के सब चमत्कृत हो जाते हैं, लोकपाल दीपाल के बात ना छोड़ो, वही भगवान कृष्ण चमत्कृत हो गए। राधा रानी को इस प्रकार के भाव को देखे, उसी भाव को क्या भाव है, क्या स्थिति है, उसको देख के राधा रानी को विरह को देख के कृष्ण चमत्कृत हो गए कि मैं पास में होते हुए राधा रानी को इस प्रकार का विरह हो। तो उसी भाव को लेने के लिए ही कृष्ण क्या किए, राधा रानी से प्रणाम करके उनको बोलते हैं कि हे राधे कृपा करके आप उसी अंग कांति को प्रदान करो, तो उसी भाव का हमें आस्वादन करवाओ। तो इसमें गुरुदेव एक टीका में बता रहे हैं श्री राय रामानंद संवाद में कि देखो कृष्ण तत्व दृष्टि में देखा जाए तो कृष्ण के ही अंग से ही राधा रानी प्रकट हुए, कृष्ण के ही अंग से बाएं अंग से थी किशोरी जी और दाहिने अंग से बलदेव प्रभु प्रकट हुए, तो कृष्ण के ही शक्ति हुए। अब देखो इसमें उदाहरण दे रहे हैं, बोलते समंदर के उदाहरण दे रहे हैं, एक समंदर में, समंदर देखे होंगे जो लोग, समंदर में अगर थोड़े से पानी उठा के लेके आओ एक लोटे में, अब समंदर में जो प्रकार का, समंदर के पानी में जो प्रकार का गुण है उस लोटे में भी उसी प्रकार का गुण होगा। मान लो ये टेबल का उदाहरण देते हैं, टेबल में से एक लकड़ी को निकाल दो और एक लकड़ी को निकालने के बाद टेबल में लकड़ी में जिस प्रकार का गुण है उसी अलग से निकाले हुए लकड़ी में भी उसी प्रकार का गुण ही होगा। तो इसी कारण कृष्ण मूल है और कृष्ण मूल पुरुष होने पर भी राधा रानी के अंग से ही प्रकट हुए हैं तत्व दृष्टि से, फिर भी राधा रानी का किस प्रकार की सेवा, क्या सेवा करके वो किस प्रकार का आस्वादन करते हैं, किस प्रकार का सुख को अनुभव करते हैं और किस प्रकार का विरह करते हैं, किस प्रकार का मिलन में आनंदित रखते हैं, तो इसी भाव को कृष्ण नहीं समझ सकते, इसी भाव को कृष्ण नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं उसी भाव को समझने के लिए ही कृष्ण अपूर्ण रहेंगे। और कृष्ण तो परम ब्रह्म परतत्व भगवान, पूर्ण ब्रह्म पूर्णमिदं है, पूर्ण बताया गया है कृष्ण को। अब कृष्ण को इच्छा रह गया है, इच्छा रह गया तो भगवान पूर्ण हो सकते हैं, बोले नहीं, इच्छा रह गया मतलब पूर्ण नहीं है। तब इसीलिए उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही श्रीमद् महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही आते हैं राधा रानी को अंग कांति को लेकर। तो इसी जो किस प्रकार कृष्ण की जो इच्छा, ये जो विचार प्रभुपाद बता रहे हैं टीका में कि कृष्ण की जो इच्छा, इस चीज को समझना, कृष्ण को जो इच्छा है किस प्रकार वो किस चमत्कृत हो जाते हैं राधा रानी को देख के
और गौर वर्ण गौर अंग कांति को ग्रहण करके सचिनंदन गौर हरि के रूप में आते हैं। ये हमारा गौड़ीय मठ का वैशिष्ट्य है, ये हमारा गौड़ीय मठ का विचार है, ये गौड़ीय मठ का तारतम्य है। इसमें ना सब यही गौड़ीय मठ का जो सिद्धांत है, यही तत्व है, किस प्रकार कृष्ण चमत्कृत हो जाते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में अष्टम परिच्छेद में इसी राय रामानंद संवाद को श्री कविराज गोस्वामी पाद विशेष रूप में वर्णन कर रहे हैं। अब देखो कविराज गोस्वामी पाद इसको वर्णन करते हुए बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में इस प्रकार का पांच रत्न है, पांच रत्न श्रीमद् भागवत जी में है, पांच गीत है। कौन कौन सा? भैरव गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत और गोपी गीत। उसी प्रकार इस चैतन्य चरितामृत में भी पांच तत्व है, पांच रत्न है। उसमें से जो रत्न समूह बता रहे हैं कि राय रामानंद संवाद, जी जगन्नाथ रथ यात्रा प्रसंग, जी रूप शिक्षा, जी सनातन शिक्षा और जो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ महाप्रभु का जो वार्तालाप। तो इसमें जो ये पांच तत्व है, जो पांच रत्न है, उसमें सर्व जैसे श्रीमद् भागवतम में सर्वश्रेष्ठ जो रत्न कौन था, गोपी गीत को बताया गया है। इसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में जो सर्वश्रेष्ठ तत्व को बता रहे हैं कि ये तत्व क्या है, कि ये राय रामानंद संवाद है, जिसमें रस तत्व, विचार तत्व, पूरा क्रम से ज्ञान भक्ति भक्ति सब भक्ति तत्व को व्याख्या करते करते लास्ट में अंतिम तक राधा रानी के महाभाव तक प्रकाशित कर रहे हैं श्री राय रामानंद गोस्वामी पाद। तो इसमें बता रहे हैं कि इस प्रकार ये जो जो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये क्या है, अपने भूमिका एक ग्रंथ में एक भूमिका, ये भूमिका भूमिका यानी गुरुदेव हमारे भगवान नारायण गोस्वामी महाराज ग्रंथ को लिखने के समय ये कुछ भूमिका लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एक ग्रंथ का, ग्रंथ शुरू नहीं हुआ है, ये इंट्रोडक्शन है। इसमें बता रहे हैं कि ये जो राय रामानंद संवाद है ना महाप्रभु के साथ, रामानंद राय के साथ जो आपस में वार्तालाप हुआ था, जो संवाद संवाद हुआ था, ये है कौस्तुभ मणि सदृश। अब बताओ कौस्तुभ मणि सदृश क्यों बोले गुरुदेव, कौस्तुभ मणि क्या है? बता रहे हैं कि ये कौस्तुभ मणि भगवान के वक्ष स्थल पर धारण करते हैं, भगवान अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। अब देखो इसको कौस्तुभ मणि क्यों कहा गया, गुरुदेव बता रहे हैं कि इसमें इसमें क्या होता है कि जब रामानंद राय ने भक्ति का एक 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 करके महाप्रभु को सामने बताया कि इस प्रकार का भक्ति है, ये भक्ति है, वो भक्ति है, फिर गीता का अंतिम श्लोक बताया, सर्वश्रेष्ठ श्लोक में पहुंच गए, फिर उसमें भी जो रस तत्व के ऊपर गए, दास्य वात्स्य साक्ष्य मधुर, सांत दास्य वात्स्य साक्ष्य मधुर, मधुर में भी सर्वश्रेष्ठ, फिर गोपी में भी सर्वश्रेष्ठ, सर्वतत्व सर्वदेव वल्लभरा विष्णु रत्त वल्लभा, कि उसमें भी जो राधा भी श्रेष्ठ है, उनके जो महाभाव, उनके जो महाभाव, उनको सुनते ही महाप्रभु बोल उठे, क्योंकि महाप्रभु के भी गुरुदेव बोलते हैं, महाप्रभु को भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि पूर्ण रूप में उसको आस्वादन कर पाए, महाप्रभु को इतना सामर्थ्य नहीं है, उनको पूरा पूरा सहायक करने के लिए राधा रानी बोलते हैं आप अकेले ही रस को आस्वादन नहीं कर सकते, आपको गुरु को आवश्यकता होगा, इसलिए ललिता सखी विशाखा सखी ये रूप मंदिर इनको सब साथ में लेके जाओ आप, कृष्ण को बोलते हैं। तो ये जो ललिता सखी ये तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में महाप्रभु की लीला में आते हैं, और जो विशाखा सखी है वो ये राय रामानंद रामानंद राय के रूप में श्रीमन महाप्रभु के पास आते हैं। तो मानो कृष्ण और विशाखा सखी के बीच में कुछ आपस में वार्तालाप हो रहा है, कृष्ण और विशाखा सखी के बीच में रस तत्व का कुछ वार्तालाप हो रहा है। तो उसमें बता रहे हैं कि जिस समय विशाखा सखी जो जानते हैं कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ जो महाभाव राधा रानी का महाभाव को विशाखा सखी बड़े अच्छे से जानते हैं, तो विशाखा सखी क्या करते हैं जो रामानंद राय वो धीरे धीरे बताते 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 फिर महाभाव में चले गए, तो महाप्रभु बोले यही रुक जाओ, महाप्रभु बोले यही रुक जाओ, इससे आगे श्रवण करना का मेरा अर्थ धैर्य नहीं है। तो उसी राधा रानी को भाव को महाप्रभु ने अपने हृदय में धारण किया, जिस प्रकार भगवान कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में धारण करते हैं, उसी प्रकार जो राय रामानंद संवाद में वो जो राधा रानी के जो महाभाव है ना, इस प्रकार राधा रानी भाव, इस प्रकार राधा रानी कृष्ण को सेवा करते हैं, उसी भाव को कृष्ण अपने हृदय में धारण करते हैं, इसीलिए गुरुदेव इसको कौस्तुभ मणि सदृश बोलते हैं। अब ग्रंथ का परिचय, ग्रंथ का नाम है राय रामानंद संवाद, इसमें बता रहे हैं कि संवाद यानी आपस में वार्तालाप,
किसके किसके साथ वार्तालाप? श्रीमद महाप्रभु जिस समय दक्षिण भारत गए, दक्षिण यात्रा कर रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र गए, पहले तो आता है सीमांचलम, उसके बाद आता है श्रीमद महाप्रभु का भद्राचलम, फिर उसके आगे आगे करते हुए जैसे कांचीपुरम तिरुपति देव होते हुए कुरुक्षेत्र गए, तो श्रीरंगम गए, तो ऐसे करके एक एक भक्त को वहां पे उद्धार करते हुए गए। कुरुक्षेत्र में कुरु विप्र को उद्धार किया, फिर उससे आगे जो वासुदेव विप्र उसके लोग उनको उद्धार किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर कृपा किए। तो इसी प्रकार महाप्रभु जैसे जा रहे थे साउथ में, तो वहाँ पे राजमंडी के किनारे एक गोदावरी के नदी के तट पर कबूर एक जगह का नाम है, जहाँ पे श्रीमद महाप्रभु रुके थे, और वहाँ पे श्री रामानंद राय के साथ उनके साक्षात हुआ, और उनके साथ वहाँ पे कुछ वार्तालाप हुआ। और श्रीमद महाप्रभु कौन है? अभी मैंने बताया कृष्ण है। रामानंद राय कौन है? विशाखा सेना। तो उनको देखते ही रामानंद राय ने उनसे प्रणाम करके जो वार्तालाप हुआ उसको ही बोलते हैं राय रामानंद संवाद। इसमें बता रहे हैं कि कृष्णदास कविराज लस्सी को भगवत माचक जीवय कले चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनित गले लीला तहा दिन है न मोर चित्त। कि नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रणाम में वो बता रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है? रसिक भगवत माचक, एक एक प्रकार का रसिक भक्त है। देखो एक बात को समझना कि कृष्ण के साथ अगर कोई कुश्ती लड़े तो उनके बराबर होना चाहिए कि सीधा मधुमंग का उठा के पटक देते हैं कृष्ण को, उनके बराबर होना चाहिए। राक्षस गण में तो कृष्ण एक सुदर्शन चक्र में ही हरिवोल करते हैं। तो इसी प्रकार जो रस तत्व के विचार है वो तो रसिक भक्त ही उसको क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। तो जो रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में जो रस भरी बातें हुई थी उसको कौन व्याख्या कर सकते हैं? उसको जो व्याख्या कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो कोई साधारण हो सकते हैं? जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसको लिख रहे हैं साधारण नहीं हो सकते हैं, वो भी बड़े रसिक संत है, वो बड़े भी रसिक भक्त हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि जीवे कले चैतन्य चरित, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, और क्या लिखा? अपना गौर गोविंद लीला, विशेष करके जो ग्रंथ का जो परिचय, जो लेखक का परिचय दे रहे हैं, इन्होंने दो ग्रंथ लिखा विशेष करके, ऐसे तो बहुत सारे टीकाएं लिखा, फिर भी दो ग्रंथ जो चैतन्य चरितामृत और गौर गोविंद गोविंद गोविंदामृत गोविंद लीला में गोविंद लीलामृत। तो इसमें बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में श्रीमद महाप्रभु के बारे में बताया, और जो गोविंद लीलामृत में उसमें कृष्ण के बारे में बताया विशेष रूप में। फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जब लिख रहे हैं तो स्वयं वो बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि गौर गोविंद लीला में से भी अधिक रस तत्व जहाँ पे है वो चैतन्य चरितामृत, उसमें अधिक रस है। श्रीमद महाप्रभु के जो लिख रहे हैं ना, वो रो रहे हैं, उनमें दीनता प्रकाशित हो रहे हैं, उसमें अधिक रस तत्व को दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि तहा देना वही लोग मोर चित्त, कि उसी प्रकार ये नरोत्तम दास ठाकुर का अपना भाव है कि उसमें मेरा चित्त नहीं हो पाया। तो वास्तव में वो कितने मात्रा में नरोत्तम दास ठाकुर में प्रविष्ट है तो ये बात को बता रहे हैं। तो देखो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने विशेष रूप में इसी ग्रंथ में शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताया गया है। शुद्ध भक्ति, भक्ति बहुत प्रकार का है, इसमें आगे आगे आएगा कि किस प्रकार भक्ति के विभागीकरण है, उसमें है शुद्ध भक्ति, फिर मिश्र भक्ति, उसमें फिर डिफरेंस होता है गुणीभूता भक्ति। तो ये जो भक्ति का जो डिफरेंस है ना, बहुत सारा भक्ति है, उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ जो शुद्ध भक्ति है, जो जिस प्रकार का जो शुद्ध भक्ति है उसी बारे में ही ये वर्णन कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने दीनता प्रकाशित करते हुए इस ग्रंथ में राय रामानंद संवाद ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ए ग्रंथ लेखा है मोर मदन अमोहर हमारा लिखन जिन सुखे रो पठन से लिखी मदन गोपाल मोरे लिखी आया उसका चुरा जना को बना चाहे। ये इस ग्रंथ को मैंने नहीं लिखा, इस ग्रंथ को कौन लिख रहे हैं? कि साक्षात मदन गोपाल जी ही मेरे ऊपर कृपा करके इस ग्रंथ को मुझे लिखवा रहे हैं। ये ग्रंथ जो लिखे हैं उनका परिचय बता रहे हैं कि आमार लिखने जो ना सुखे रो पठन, मैं तो सुख के बात ही एक तोता को इस प्रकार का जैसे कुछ मंत्र बोल देते हैं और रट लेता है, उसका अर्थ नहीं जानता, इस प्रकार का दीनता दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो उसी तोता के भांति ही चैतन्य चरितामृत को लिखा है,
और मदन गोपाल अगर मेरे ऊपर नहीं लिखते तो मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाता, मैं तो कास्ट का पुतला ही हूँ। और मेरे ऊपर ठाकुर जी ने कृपा करके कि ग्रंथ को लिखवाया। अब देखो इसमें इस प्रकार का तेजता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी में कैसे आया, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रस तत्व में, जो ऊपर के सिद्धांत तत्व में, जिन्होंने वैराग्य से लेकर प्रतिष्ठा के ऊपर तक, प्रतिष्ठा भी जिनको छोड़ के चले गए, जो प्रभुपाद बोलते हैं ना कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागी छाली अच्छे जगत तो वैष्णव, कि जिनको कनक कामिनी और उसमें भी जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा जिनको छोड़ दिया है, और प्रतिष्ठा देख के भाग जाएगा भाई मैं तो इसके ऊपर मेरा कोई काम नहीं है, वही इस प्रकार का दीनता लिख सकते हैं, इसी बात को समझना होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण लीला रत्नसार स्वरूप भंडार, ये कहाँ से आया चैतन्य चरितामृत, इनको कहाँ से स्फूर्ति हुआ, ये बता रहे हैं कि मुझे किस प्रकार स्फूर्ति हुआ। चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि कृष्ण लीला रत्नसार स्वरूप भंडार तमा कृपाला रघुनाथे कंठे, ध्यान से सुना, कृष्ण लीला रत्नसार स्वरूप भंडार तमा कृपाला रघुनाथे कंठे, कि श्रीमान महाप्रभु जिस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ गंभीरा में पूरी धाम में नीलाचल क्षेत्र में उसी निभृत निकुंज रस को, वो मंजरी भाव को जो प्रदान करने के लिए आए थे, उस राधा रानी को भाव को आस्वादन कर रहे हैं, उसी भाव को स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको सहायता कर रहे हैं कि गुरु रूप में आए हैं ना शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए कि अगर कृष्ण अगर ठीक ठीक से आस्वादन नहीं कर पाए तो ये ललिता सभी उनको क्या करेंगे, उनको बताएंगे शिक्षा देंगे। तो उसी भाव को जो श्रीमद महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं वो सबको स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने कर्चे लिखा, कर्चा एक सूत्र के माध्यम में कुछ श्लोक लिखा, और उसी श्लोक को किसको दिया, बोल रहे कि तमा कृपाला रघुनाथ कंठे, उनको रघुनाथ गोस्वामी के कंठ पे दे दिया, यानी क्या बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने 16 साल पुरी में रहते हुए श्रीमन महाप्रभु के उसी भाव को दर्शन किया, उसी रस को दर्शन किया, और दर्शन करते हुए जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी सूत्र लिखे थे, जिस कर्चा लिखे थे उसको पी लिया, मतलब कंठस्थ कर लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। अब बता रहे हैं कि ताहा किचु जे सुनी लो ताहा यहाँ विस्तारित कि रघुनाथ दास गोस्वामी पास से जो किचु मैंने सुना, वही रघुनाथ दास गोस्वामी जो 16 वर्ष पुरी में रह गए, जिस भाव को दर्शन किया, जो आस्वादन किया, उसको मैंने जो सुना, उनके जो अनुभूति, उनके जो भावना, उसको मैंने क्या किया, तहा यहाँ विस्तारित हो अभी तहा यहाँ विस्तारित हो, मतलब कि मैं उसी भाव को ही लिख रहा हूँ, इस प्रकार का भाव है, मतलब साक्षात भाव बता रहे हैं कृष्णा कविराज गोस्वामी कि भक्तगण दिलो एक भेंट, कि भक्तों के भक्तगण को मैं क्या कर रहा हूँ, ये भेंट दे रहा हूँ वैष्णव जगत। तो ये जो चैतन्य चरितामृत जो कृष्णा कविराज गोस्वामी ने लिखे, जहाँ पे विशेष करके जो रस तत्व को ऊपर जो राधा रंग के महाभाव को लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी रामानंद राय संवाद में, तो वहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये तो श्रीमद् भागवतम से भी अधिक वैशिष्ट्य है चैतन्य चरितामृत का। प्रभुपाद एक समय बोल रहे हैं अपने सारे शिष्य को लेके, बोल रहे हैं कि अगर दुनिया में सारे ग्रंथ लुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए, दुनिया में अगर जितने भक्ति प्रणयन ग्रंथ सब विलुप्त हो जाए, फिर भी हमारे पास अगर चैतन्य चरितामृत हो तो हम चल जाएंगे, इसमें ही सारा रस तत्व है, इसमें ही सारा शिक्षा है, भक्ति किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार रस, सब के सब इस चैतन्य चरितामृत में, ये प्रभुपाद का वाणी है। प्रभुपाद बता रहे हैं इस प्रकार की कि जो चैतन्य चरितामृत है ना वो श्रीमद् भागवतम से भी अधिक महत्व, मतलब अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का उदाहरण दे रहे हैं कि ध्रुव महाराज प्रधानी भूता भक्ति है, इसमें प्रधानी भूता भक्ति का लक्षण दिखाई जाता है। प्रहलाद महाराज इसमें मित्र भूता भक्ति, इसी में धनी भूता भक्ति, इसका भक्ति अलग अलग दिखाया जाता है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार का भक्ति प्रधानी भूता गुणी भूता भक्ति का कैटेगरी नहीं किया गया, डायरेक्ट शुद्ध भक्ति का बात बताया गया है, सीधा का सीधा शुद्ध भक्ति का बात भी कहा गया है। और वहाँ पे तो महाप्रभु, वहाँ पे कृष्ण ने कृपा किए हैं भक्तों को और भगवान के चरित्र वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार का आस्वादन है वहाँ पे भागवत जी में नहीं है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये विशेष विशेष रूप में वर्णन कर रहे हैं। ये तो हमारे गुरुदेव का भूमिका है, ये बड़ा विस्तृत प्रसंग है, 2-4 पेज का गुरुदेव ने भूमिका ही लिखे हैं, इसके ऊपर ना जो बांग्ला ग्रंथ में बड़ा विस्तृत रूप में दिया गया है, दिन भर वही देखा विस्तृत रूप में है, लेकिन समय का भी अपना सीमा है, गुरु जी भी बोलेंगे
तो इसके आगे हम चैतन्य चरितमृत के जो अष्टम परिच्छेद में जो राय रामायण संवाद है उसको थोड़े थोड़े श्रवण करने की कोशिश करेंगे। और जो मूल जो रामानंद राय के साथ जो महाप्रभु के साथ मिलन हुआ था, ये रामानंद राय कौन है, ये हम कल श्रवण करेंगे रामानंद राय के परिचय, फिर उसके आगे फिर भक्ति तत्व के विचार। रामानंद प्रभु की और दो तीन मिनट सुन लो, ठीक है। प्रसाद प्रसाद जा, भोग लगा दिया, प्रसाद भोग नहीं लगा, अरे ठाकुर के सामने रखकर थोड़ी देर गोद ले ले, 8:30 हो गया लोग नहीं, ये ना खाली से जो आपको देवा पाई जेटा से भोग लगे दो, अन्य भोग तो लगे सेटा एमान को जेटा देवे सेटा से कथा कहो दिया को भोग तो पर कर हाँ सेटा खाली आनी की तुलसी पत्र देके दे देता हूं। तब अन्य हरे कृष्णा, हाँ 5 मिनट और सुन लो, ठीक प्रसाद लेकर हरे कृष्णा। हाँ हम लोग ओम अज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अगर जोर से बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण, गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे जैसे कृष्ण आने से पहले श्री दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु आते हैं, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले कहते श्री बलदेव अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु के इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। राढ़ ग्राम में एक चक्रा गांव में पद्मावती देवी और हड़ाई पंडितों का आश्रय ग्रहण करते हुए श्रीमान नित्यानंद प्रभु जन्म ग्रहण किए, उसको बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करते कृष्ण आते हैं। इसलिए हम रोज रोज सवेरे कुछ हम श्रवण किया सवेरे, जैसे श्री वसुदेव महाराज श्री नंद बाबा हैं, जैसे श्री दशरथ महाराज कश्यप ऋषि, जैसे हर अवतार में जैसे ये पिता माता बनते हैं, कभी सब श्री जगन्नाथ मिश्रा है। महाप्रभु पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र और पत्नी का नाम श्री सच्ची माता, इसलिए श्री जगन्नाथ मिश्र जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ये पूर्ण हैं, कहते उनको जो पिता है वो भी माता वो भी परिपूर्ण है। इनकी शरीर में जितने सारे भगवान का जितने पिता हैं सबके सब इनकी शरीर में तदात्म होकर के मिलित तो होकर के सबके सब आए। और भगवान की जन्म कैसे हैं, कहते हमने जैसे जन्म लिया प्रभु का जन्म ऐसे नहीं, कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे जन्म कर्म को जो सही सही समझ ले, शरीर त्याग करने का बाद जगत में दोबारा जन्म नहीं होता है। और हम लोग महामाया को आश्रय करते हुए और जोर जबरदस्ती नहीं चाहने पर भी हम कर्म फल भोगने के लिए इसी जगत में आते हैं, लेकिन भगवान क्यों आते हैं, वो भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी इसी जगत में आते हैं। इसलिए हम सवेरे कैसे जब सच्ची माँ की गर्भ में भगवान आए हैं, जैसे आए एक समय ठीक ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न देखो वो स्वप्न करके सही हो जाता है, इसलिए ठीक ब्रह्म मुहूर्त में श्री जगन्नाथ मिश्र स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न देखा, एक दिव्य धाम मेरे हृदय में ज्योति रूप में प्रवेश किया, वो ज्योति निकल करके फिर सची माँ की गर्भ में प्रवेश किया। बोले सची लगता है
कोई महापुरुष आने वाले, मैंने ये स्वप्न देखा है और सचमुच से श्री चैतन्य महाप्रभु को सची माँ ने गर्भ में धारण किया। अभी ठीक महाप्रभु जब जन्म ग्रहण करते हैं, जैसे कृष्ण जन्म होने से पहले जैसे देवता लोग आकर गर्भ स्तुति कर रहे थे, हम सबने ये सारे बात को डिटेल से रूप में श्रवण किया, कैसे सारे देवता लोग आकर के उनके गर्भों को कैसे स्तुति कर रहे थे। अभी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुए, कद अनंत ब्रह्मांड जत आछे सुमंगल सही पूर्णिमा ते आसी हई लब। महाप्रभु जन्म जब हुए कब हुए, फाल्गुन पूर्णिमा में महाप्रभु जन्म हुए हैं, फाल्गुन पूर्णिमा में जन्म हुए। कहते जब जन्म हुए सारे सुमंगल आकर के सब के सब इकट्ठे हो गए, जैसे कृष्ण जन्म लेने पर जैसे सारे हैं ग्रह नक्षत्र सब के सब शांत रूप धारण कर लिया, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जन्म होने से पहले सारे ग्रह नक्षत्र जितने शुभ समय सब के सब आकर के वहाँ उपस्थित हुए। बोले संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार ग्रहण र छले ताहा करे न प्रचार। अभी महाप्रभु जगत में आए क्यों, अब लोग सुन रहे थे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण था कलियुग में वो संकीर्तन धर्म को प्रचार करने चाह रहे थे। कहते ना कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, इसलिए ये संकीर्तन धर्म को प्रचार करना चाह रहे थे। महाप्रभु सोच रहे थे ऐसे एक समय पर आए जिस समय विश्व ब्रह्मांड भगवान का नाम कीर्तन करते हुए हो, उसी समय आएंगे। इसलिए जब चंद्र ग्रहण हुए, चंद्र ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण को बाद में हम क्या करते हैं, ग्रहण को जब खुल जाती है हम जाकर गंगा में कोई यमुना में कोई नदी में नहाते हैं। अभी जब चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, ठीक पूर्ण चंद्र उदय हुए, इधर ग्रहण खत्म हो गया और जितने लोग सबके सब श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबके सब हरि बोल करते करते जा रहे थे। और ठीक उसी समय में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सची माँ की गर्भ से और नीम वृक्ष को नीचे, मायापुर गए कि नहीं, महाप्रभु का बचपन का नाम पड़ गया नीमाए, क्यों, नीम वृक्ष को नीचे प्रभु जन्म हुए। ठीक नीम वृक्ष को नीचे ठाकुर जी सचिनंदन गौर हरि रूप में जब जन्म हुए और जितने सारे देवता लोग आकाश मार्ग से सबके सब पुष्प की बौछार कर रहे थे, बोल रहे थे श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले चतुर्दिगे पुष्प वृष्टि करे देवगण जय शब्दे दुंदुभि बाजय अनुख्यान। सारे देवता लोग पुष्प वृष्टि और दुंदुभि, दुंदुभि जान समझते कि नहीं, हाँ शंख बाजा करताल मृदंग दुंदुभि बजा बजा रहे हैं सबके सब देवता, और क्या कर रहे हैं, बोले हे नए समय सर्व जगत जीवन अवतीर्ण हई लेन श्री सचिनंदन। ठीक उसी समय में महाप्रभु अवतीर्ण हुए, अवतीर्ण होकर उन्होंने क्या किए, जब भगवान अवतीर्ण होते हैं उस समय क्या होता है, कहते उस समय संसार का सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है, हैं। और महाप्रभु जगत में यहाँ पर कह रहे आकर के उन्हें क्या प्रदान करेंगे, बोले ब्रह्मा विरिंचिर वांछित जय प्रेम जगत फैली ढाली, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु मुक्त हस्त से उन्होंने सब जीवों को महाप्रभु ने प्रदान करेंगी। और महाप्रभु जब जब जन्म हुए, कहते विशेष करके जो महापुरुष होते हैं उनको 24 लक्षण होता है, कितने 24 24 लक्षण होता है, और महाप्रभु के अंदर में सारे लक्षण विद्यमान था, चरण में 19 चिन्ह था, शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह था, झंडा जो वज्र सबके सब महाप्रभु की चरण में सबके सब ये सबके सब था। और जिस समय महाप्रभु जन्म हुए सबके सब देवता लोग आकर के, उस समय में ठीक शाम हो गया था, शाम एकदम हो गया था, अंधकार हो गया था, इसलिए किसको पता नहीं चल रहा था, ब्रह्मा शंकर देवा देवी सबके आकर के सब लंबी लंबी दंडवत कर रहे थे, हैं सबके सब। और जितने देवियाँ थी ना साधारण स्त्री रूप धारण कर ली, कौन
बोले उमा रमा सत्या सची, ये जितने सब के सब देवियाँ स्त्री रूप धारण कर ली। और जे बता लोग ना पुरुष लोग धारण कर लिए, आकर के महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं और सबके सब प्रणाम कर रहे हैं और महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए इसको बाद में फिर क्या होता है फिर कल हम लोग सुनेंगे, बहुत टाइम हो गया है हम लोगों को जाने का समय हो गया। वंशा कल प्रसाद ले जाओ, तो जाओ सबको प्रसाद ले। हाँ, जो आज है श्री राहुल प्रभु का जो पिता माता जी का आज किया शादी की सालग रहे, इसलिए हाँ इसी उपलक्ष्य में इन्होंने सबको आम सेक और सबके लिए समोसा की व्यवस्था किया है। इसलिए ठाकुर जी उनका आशीर्वाद दे, भक्ति दे और भक्ति में ये खूब बढ़ते रहे, ठीक है। हाँ सब मृदंग बजाओ, तो मृदंग ले। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बाहर ही नहीं, हरे राम बाहर कर दे हरे 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 कृष्णा हरे, बाहर कर दीजिए ना कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय श्री श्री गुरु रंगंदर का गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन विजय नितलीला प्रभु भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज विजय नितलीला प्रभु भक्ति वेदांत नारायण।